अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मेरी एक न्यू वीडियो आ चुकी है, और किस पे है, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को विलेज की जो भी हवेली की मैंने आप लोगों को पौधे वगैरह दिखाए थे, प्लांट्स दिखाए थे, जो भी दिखाए थे, मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में न्याज बो के फ़ायदे भी बताऊँगी। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। जैसे कि आप लोगों को तो सब पता ही, सबको पता ही है कि हर पौधे का कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है। अल्लाह ताला ने ऐसे बेशुमार पौधे पैदा किए हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हम लोग घर बैठ के इलाज कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग पैसा ज़ाया करने के चक्कर में कभी एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कभी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्याज वो देखें, न्याज वो पौधे के बिल्कुल इस तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है जी। और साथ में ये इस तरह के इसके फूल होते हैं, और साथ में फिर इसी से बीज बनते हैं। ठहरे, मैं आपको यहाँ पर इनके बीज भी दिखा देती हूँ, ये इसके बीज वगैरह हैं। तो ये किस लिए पहले यूज़ होता है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। तो न्याज वो जिस किसी को भी जो है ना बुखार है, बुखार हो रहा है किसी को भी, और जो बुखार छोटे बुखार से बढ़ते 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 टाइफाइड बन जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का बुखार हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बेस्ट बेस्ट, इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। आपने इसका कहवा बनाना है और उसको देना है, मरीज़ को देना है, और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अफाका आ जाएगा, उसका बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आपने यूज़ क्या करना है, आपने पानी गर्म करना है और इसके 5 से 6 पत्ते आपने पानी में डाल देने हैं, और उसका कहवा बना के आपने मरीज़ को देने हैं। इंशाल्लाह उसको अगर बुखार है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा इसका जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है कि आप को पेट का मसला है, कोई भी पेट का मसला है, पेट में गड़बड़ रहती है, पेट में गैस बनती है, या कुछ ऐसा इशू होता है, तो उसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपने डिटॉक्स वाटर इसका बनाना है। तो ये बहुत बेस्ट है, अगर आपका पेट बढ़ गया है या कुछ भी ऐसा इशू है तो आपने ऐसे करना है कि इसके 4 से 5 पत्ते या चले 7 पत्ते ले लें। अगर ये देखें, ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, अगर ये छोटा सा पत्ता है बहुत ज़्यादा, तो आपने इसके 5-6 पत्ते ले लेने हैं। तो वो आपने रात को, अगर आपने पूरी बोतल आपने भरनी है तो उसमें आप ज़्यादा इसके पत्ते ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये इसके ज़्यादा पत्ते ऐड करके पूरी रात के लिए आपने वो पानी बोतल में छोड़ देना है, ठीक है। बोतल का ढक्कन ज़रूर लगाइएगा। ओके जी, तो आपने उसको रात को रख देना है, सुबह आपने सारा दिन, आपने सुबह से लेकर शाम तक आपने वो ही पानी पीना है, आपका पेट का मसला सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर जिसको मैदे का मसला है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि आपने ऐसे करना है कि इसको जो है इसकी चटनी बनानी है, और इसको चटनी में भी इस्तेमाल करते हैं, हाजमे का मसला है वो दूर हो जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जिसका हाजमा बिल्कुल ठीक नहीं रहता, आपने इसकी अच्छी तरह से चटनी बनानी है और आपने वो ले लेनी है, ठीक है जी। तो आपने वो खा लेनी है, रोटी के साथ खाएं, जैसे भी आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, उसकी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये पर्सनली यूज़ की हुई है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने जी नेट पे बैठ के सर्च करती हूँ तो कुछ भी नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये जो खुद के बेनिफिट्स हुए हैं, फ़ायदे मिले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वही वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए, इसके अलावा इसके बीज की बात करें तो ये पौधा ज़्यादातर गाँव में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने नर्सरी वगैरह से आप लें तो उसको मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता तो आपने ये कहीं देखा है किसी के घर में लगा हुआ है, तो ये आपने ऐसे करना है कि ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप इसके, एक मिनट वीडियो क्लियर नहीं आ रही, ये देखें, ये आप इसके बीज दे सकते हैं, ये बीज हैं इसके, ठीक है। आपने ये जाके बीज इसी तरह से आपने लगा देने हैं मिट्टी में, और ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है। इसके बीज आप लगाएं, और फिर ये जब इतना बड़ा हो जाएगा जी, इतना बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपने इसके पत्ते लेने हैं, लेते जाने हैं, और उसके आपने जो भी आपने यूज़ करना है करें। आप इसको सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, सुबह खाली पेट आप इसके 5 से 6 पत्ते खा लें, आपका हाजमा सारा दिन दुरुस्त रहेगा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है, तो जिनको दिमाग का मसला है, जिनका दिमाग सही नहीं है, वो बात भूल जाते हैं, बात करते हैं भूल जाते हैं, तो ये दिमाग के लिए बहुत 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 बेस्ट चीज़ है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि कोई और अच्छी चीज़ है। इससे इंसान का दिमाग बहुत तेज़ होता है, वो जल्दी जो है वो
उसका दिमाग तेज़ होता है और बहुत अच्छा है। जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, तो वो उसको जो है ना इसके पत्ते दें तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, और मैंने आप लोगों के साथ इसके जो जो फ़ायदे थे तकरीबन शेयर कर दिए। और देखिए, आप लोगों को एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि इसके जो बीज हैं, ये जो इसके बीज हैं, इसके बीज से जो है ना ये आप लोगों को बताती हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे। तुख मलंगा बोलते हैं जिसको, आपने उसका नाम तो सुना होगा। तो जो इसके बीज होते हैं, इसके बीजों से तुख में मलंगा तैयार होता है। ये देखें, ये जो इसके बीज है, इससे जो है ना तुख मलंगा तैयार होता है। और तुख मलंगा के तो जो फ़ायदे हैं, तुख मलंगा के फ़ायदे अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो तो पता नहीं सुबह से शाम हो जाए और इसकी वीडियो ख़त्म ना हो। उसके बेशुमार फ़ायदे हैं और आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ तुख मलंगा के फ़ायदे भी शेयर करूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके बीज किस तरह के हैं। और तुख मलंगा तो आप लोगों को पता है कि मैदे के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग फिर खुद सोचें, अगर तुख मलंगा अगर हमारी मैदे के लिए बेस्ट है तो ये पौधा हमारे लिए कितना बेस्ट होगा। तो ये तो बनते बनते तुख मलंगा इसके बीजों से बनता है। ठीक है जी, इसके बीज से किस तरह से बनता है, तो फिर यही पौधा ही हमारे घर में अगर मुझे होता तो उसको कैसे यूज़ होगा फिर। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो सारे बोर भी हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह जो जो फ़ायदे मिले हैं आप लोग भी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो जो भी होगी, मैं जो भी इफ़ेक्टिव होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए। और इसी के साथ जी मैं चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।